तो ये अंतरराष्ट्रीय बच्चों को बेचने का एक जो रैकेट है उसको राचाकोंडा पुलिस ने बस्ट किया है। इसमें कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से बच्चों को दिल्ली और पुणे से लेकर अलग अलग जगह बेच रहे थे, वहां से लाकर के विजयवाड़ा और हैदराबाद, जाके हमारा एरिया जो घटके सर है वहां पर कुछ लोगों को हमने अरेस्ट किया है। और इसमें जो जो दिल्ली और पुणे के लिंक है उनके भी नाम हमको मालूम पड़े हैं, जो कि फर्दर जो है जो कि विजयवाड़ा में और हमारे लोकल घटकेसर में इन बच्चों को बेच रहे थे। तो ये पूरा प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेकर जो है कभी कहीं पर 50,000 से लेकर 1,00,000 में बच्चों को दिया जा रहा था। जिन पेरेंट्स जो पेरेंट्स बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाह रहे उनसे लेकर, और उसके पास ये 2-3 लेवल से होते हुए जो है एंड कपल्स जो है जिनको बच्चों की जरूरत है, जो कि उनको अडॉप्शन का कानूनी कार्यवाही करना नहीं चाहते क्योंकि वो थोड़ी लंबी है और उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसको अवॉइड करके जल्दी बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश करने के लिए वो लोग पैसे खर्चने के लिए रेडी है। तो एंड यूजर जो है या एंड कपल्स जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो लोग 4-5 लाख इन बच्चों को लेने के लिए दे रहे थे। तो हर एक लेयर पर जो लोग हैं जो एक्यूज लोग हैं वो लोग इसमें प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी की तरह इसको चला रहे थे। इससे पहले हम लोग 3 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उनकी इंटरोगेशन के बाद हमें पता चला है कि इसमें पूरा एक रैकेट की तरह ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत से लोग इसमें एजेंट्स हैं और बहुत से उनके सहायक हैं, बहुत सारे सब एजेंट्स हैं। और वो लोग जो है लोकल में जब उनको लोग अप्रोच करते हैं तो इस तरह से वो बच्चों को मंगवा करके दिल्ली या पुणे या और राज्यों से बुलाकर मंगवा करके इनको दे रहे हैं। तो आज हम लोग जो है 8 लोगों को इसमें अरेस्ट करने वाले हैं, जिसमें चेतन और पद्मा माँ और बेटा है। जो इसमें चेतन है ये लोकल कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और उनकी मदर जो है वो हाउसवाइफ है, और इनको सप्लाई करने वाले सरोजा और शारदा है और शारदा के हस्बैंड राजू भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये लोग फर्दर जो है इनको सपोर्ट करने वाले मुमताज, अनुराधा और ममता है। तो ये 8 लोग प्लस पहले के 3 लोग 11 लोगों को हम अरेस्ट कर रहे हैं। बच्चों की जो उम्र है, इससे पहले 2 बच्चे मिले थे, अभी 11 बच्चे और मिले हैं और ये लड़के और लड़कियां, तो टोटल 4 लड़के और बाकी के 9 गर्ल चाइल्ड हैं। और सभी मेडिकली ठीक हैं, इन सबको का मेडिकल चेकअप कराया गया है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं और उनके मेंबर्स हैं, उनको पूरा केस के बारे में उनको बताया गया है, पूरे बच्चे उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। और जब तक इनके पेरेंट्स हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर लेते या प्रॉपर प्रोसीजर इसमें फॉलो करके हम लोग नहीं कर लेते, तब तक बच्चे उनकी कस्टडी में रहेंगे। और लोकल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ऑफिसर श्री इम्तियाज भी हमारे साथ हैं। और इसके बाद अब इन सभी एक्यूज लोगों को हम लोग अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। पब्लिक से हमारी अपील है कि इस तरह का गैर कानूनी काम नहीं करें, ये बच्चों की ट्रैफिकिंग की तरह है और इसमें ये ना सिर्फ इलीगल एक्टिविटी है बट इसमें कुछ मिसयूज भी, बच्चों को कुछ तरह का नुकसान भी हो सकता है। अगर किसी को भी बच्चे अडॉप्ट करने हैं तो उसका एक प्रोसीजर है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजे एक्ट है 2015 का, इसमें एक प्रोसीजर है, उसमें कुछ समय लगे तो भी एक कानूनी तरीके से आप अडॉप्ट करें तो वो ठीक रहेगा, रादर देन जो है इस तरह से इलीगल एक्ट करके। तो आप उससे जो है सभी लोग जो है कानून की कार्रवाई में आ जाएंगे और अननेसेसरी जो है सभी को इनकन्वीनियंस। सर अब तक कितने बच्चों को छुड़ा ले गए और ये लोग कब से ये सारे कर रहे हैं? इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी पुरानी हिस्ट्री है, 3 लोग हैं जो कि 2021 के केसेस में इन्वॉल्व है, स्पेशली जो एक लेडी है शारदा वो अलग अलग स्टेट्स में थी, इससे पहले महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 2 केसेस जो कि एक हमारे पास है और एक इंतजारगंज में है, और आंध्र प्रदेश में भी एक केस है। तो इससे पहले भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम ये 2 या 3 साल से ये लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। टोटल 2 प्लस 11 13 13 बच्चे।